नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हाईकोर्ट में इस दिन से रोज होगा फिजिकल सुनवाई। डिजिटल युग में हटाए गए बिहार से 5500 लेटर बॉक्स। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब का म्यूजियम होगा आधुनिक। मांझी ने उपेंद्र कुशवाहा का खोला बड़ा राज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के टेस्ट मैच को लेकर दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज कप्तान का दावा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हाईकोर्ट में इस दिन से रोज होगा फिजिकल सुनवाई। महानिबंधक की ओर से नोटिस जारी कर यह जानकारी दी गई है कि 10 फरवरी से पटना हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई की फिर से शुरुआत की जाएगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हाईकोर्ट में किसी भी मामले की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से की जा रही थी, लेकिन अब 10 फरवरी से हर रोज फिजिकल सुनवाई होगी। इसके साथ ही एक और नोटिस जारी किया गया है जिसमें नियमित और अग्रिम जमानत अर्जियों पर सुनवाई के लिए महीने के दूसरे शनिवार को छोड़ हर शनिवार को वर्चुअल सुनवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पटना जिला के एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा आदेश जारी कर कहा गया है कि पटना जिले की सभी सेशन कोर्ट और अनुमंडल कोर्ट में शनिवार से फिजिकल मोड में न्यायिक कार्य किया जाएगा। बिहार में खुलेगा किसानों का आधार आधारित खाता। बीते दिन बिहार परिमंडल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार शर्मा के द्वारा बिहार परिमंडल की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए बताया गया कि अब बिहार में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भुगतान करवाया जा सके। इसके लिए डाक विभाग बिहार परिमंडल के द्वारा एक अभियान की शुरुआत की जा रही है जो कि 15 फरवरी तक चलेगी, जिसमें बिहार के 9,65,000 किसानों का आधार आधारित खाता खोला जाएगा और उन्हें डाक विभाग के माध्यम से इस योजना का भुगतान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन किसानों का खाता इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में खोला जाएगा और उसके 24 घंटे के भीतर आधार कार्ड को बैंक से लिंक करवा दिया जाएगा। बिहार के शिक्षकों को मिलेगा MACP का लाभ। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों के सहायक शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब उन्हें 2010 के तहत MACP यानी कि मॉडिफाइड अस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम का वित्तीय लाभ दिया जाएगा। यानी कि अब इन्हें भी दूसरे राज्यों की तरह 10, 20 और 30 साल की सेवा पूरी होने के बाद पहले दूसरे और तीसरे ग्रेड पे में बढ़ोतरी की जाएगी, जहां 4200 से लेकर 5400 तक की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए शिक्षकों की अनुबंध सूची जारी कर दी गई है। वहीं अगर जारी की गई अनुबंध सूची में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो शिक्षक 15 फरवरी तक जिला शिक्षा कार्यालय में आवेदन कर उसमें सुधार करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेवा का लाभ उन शिक्षकों को ही मिलेगा जिनकी सेवा 1 जनवरी 2009 के बाद रही है और या अब तक जिन शिक्षकों की सेवा 10 साल तक पूरी हो गई है। डिजिटल युग में हटाए गए बिहार से 5500 लेटर बॉक्स। आज के डिजिटल दौर में हम सभी चिट्ठी लिखना भूल गए हैं, जिस वजह से अब डाक विभाग में लगे लेटर बॉक्स का कोई मायने नहीं रह गया है, जिसको देखते हुए अब तक पिछले 2 सालों में राज्य भर से लगभग 5500 लेटर बॉक्स हटाए जा चुके हैं। वहीं अगर राजधानी पटना की बात करें तो अब यहां भी बहुत गिने चुने स्थानों पर ही लेटर बॉक्स देखने को मिलता है, जिनमें SSP कार्यालय, बिस्कुमान भवन, फायर ब्रिगेड जैसे स्थान शामिल है। लेकिन अब यह सभी लेटर बॉक्स किसी काम के लिए नहीं रखा गया है बल्कि शोभा के लिए रखा गया है। बता दें कि अब व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के दौर में लोग लेटर लिखना भूल चुके हैं, जिस वजह से अब इन सभी लेटर बॉक्स को हमारे जीवन में कोई अहमियत नहीं रहा। JDU MLC के ठिकानों से नकदी और जेवरात बरामद। बीते दिन मंगलवार की सुबह से आयकर विभाग के द्वारा JDU MLC राधाचरण साह के पटना, आरा, यूपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई। बता दें कि इस दौरान उनके ठिकानों से नकदी और जेवरात बरामद किए गए। नकदी की संख्या इतनी थी कि आयकर की टीम को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नोट गिनने वाली मशीन मंगवाना पड़ा। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान जो नकद बरामद किए गए हैं वो 1 करोड़ से अधिक है। हालांकि अब तक छापेमारी के दौरान मिली नकद राशि की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बता दें कि इस दौरान आयकर टीम के द्वारा राधाचरण साह से संपर्क करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राधाचरण साह आरा बक्सर त्रिस्तरीय पंचायत निकाय क्षेत्र से दूसरी बार MLC बने हैं। अप्रैल में बिजली कर्मी जाएंगे बेमियादी हड़ताल पर। बीते दिन यानी कि मंगलवार को बिहार झारखंड राज्य विद्युत परिषद फील्ड कामगार के द्वारा घोषणा करते हुए कहा गया कि अप्रैल में राज्य भर के बिजली आपूर्ति से जुड़े करीब 10,000 से अधिक कर्मी, मानव बल, मीटर रिदर्म, कार्यपालक सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत सभी बिजली कर्मी बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। बता दें कि यह घोषणा बीते दिन मंडप हॉल में आयोजित 46वां वार्षिक राज्य सम्मेलन में किया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि यह हड़ताल 3 प्रमुख लंबित
मांगों के लिए की जा रही है, जिसमें पहली मांग मानव बल को 21,000 न्यूनतम मजदूरी देना, दूसरी मांग कामगार श्रेणी में 2900 से 3200 एवं 4600 से 4700 ग्रेड पे का मर्जर कर 33,400 रुपए का एंट्री पे करना, और तीसरा यानी कि अंतिम मांग 12,000 रिक्त पदों पर कोटे के अनुसार संविदा कर्मी और रेगुलर कर्मी को बहाल करना है। हालांकि अब तक अप्रैल में होने वाले इस हड़ताल का तारीख तय नहीं किया गया है। बिहार पुलिस के चुंगल से फरार आरोपी को लेकर पटना हाई कोर्ट ने मांगा एक्शन प्लान। पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति चक्रधारी सरन सिंह और न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा के खंडपीठ के द्वारा बिहार पुलिस के हिरासत से फरार 256 आरोपी को लेकर धनराज कुमार राय की तरफ से दायर एक आपराधिक रीट याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर संदेह करते हुए राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वे 13 मार्च तक इन आरोपियों को पकड़ने का एक्शन प्लान कोर्ट में प्रस्तुत करे। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा गोपालगंज में एक बंदी राजनाथ शर्मा के पुलिस हिरासत से भागने को लेकर सीबीआई से जांच करवाने का भी निर्देश दिया गया। बता दें कि 3 जनवरी को राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा 256 अभियुक्तों का जिलेवार चार्ट प्रस्तुत किया गया था, जो पुलिस की चुंगल से भाग गए थे। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई 13 मार्च को की जाएगी। मुजफ्फरपुर में पीएफआई के खिलाफ केस दर्ज। कुछ दिनों से पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार एनआईए के खिलाफ फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल को लेकर शिकंजा कसा जा रहा था, वहीं अब एनआईए के द्वारा पीएफआई के खिलाफ मुजफ्फरपुर के बरुराज थाने में केस दर्ज करवा दिया गया है, जिसमें पीएफआई के 5 लोगों को आरोपित बनाया गया है। बता दें कि जिन 5 लोगों को आरोपित बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया है, उनमें रियाज मारूफ उर्फ बबलू, याकूब खान उर्फ सुल्तान, मोहम्मद अफरोज मोहम्मद, इरशाद और कादिर अंसारी का नाम शामिल है। बता दें कि सभी लोगों पर पीएफआई के मॉड्यूल पर काम करते हुए एक युवक को गुमराह कर आतंक के रास्ते पर लाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि फिलहाल एनआईए का अनुसंधान जारी है। मालूम हो कि देश में पीएफआई पर 2022 में प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसके बावजूद मुजफ्फरपुर में पीएफआई की गतिविधियां जारी है। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब का म्यूजियम होगा आधुनिक। बिहार की राजधानी पटना में स्थित तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के म्यूजियम को 6 करोड़ की लागत से पंजाब के राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह सहनी के द्वारा आधुनिक सुविधाओं से लैस करवाया जा रहा है, जिससे यहां आने वाले संगत गुरु महाराज के जीवन दर्शन और इतिहास की और भी अच्छे तरीके से जान सकेंगे। इसके साथ ही यहां संगतों के ठहरने के लिए 80 कमरों का भी निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी जिम्मेवारी कार सेवा वाले संतों को एक बैठक आयोजित कर दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि म्यूजियम और कमरों के निर्माण के लिए दीवान हॉल के पीछे की जगह दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार इसका निर्माण कार्य अगले वर्ष होने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज के प्रकाश पर्व तक पूरा कर लिया जाएगा। पूर्व सांसद आनंद मोहन की बेटी बनेगी किसान की बहू। पूर्व सांसद आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद बहुत जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। बता दें कि सुरभि आनंद की शादी 15 फरवरी को होने वाली है, लेकिन इस शादी की सबसे खास बात यह है कि सुरभि की शादी बेहद ही सामान्य परिवार में की जा रही है, जो रेलवे में सहायक परिचालन प्रबंधक के पद पर है और उनके पिता किसान है। बता दें कि पूर्व सांसद का दामाद मुंगेर का डिगरी गांव का रहने वाला है, जिसका नाम राजहंस सिंह है। राजहंस 15 फरवरी को बारात लेकर मुंगेर से पटना पहुंचेंगे, जिसमें लगभग 100 लोग होंगे। शादी का सभी कार्यक्रम मजिस्ट्रेट कॉलोनी फोर्ट एरिया से संपन्न होगा। वहीं 18 तारीख को बहुभोज रखा गया है, जिसमें लगभग 1,000 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं शादी को लेकर 5 तरह की कार्ड भी छपवाई गई है। बता दें कि शादी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद होंगे। वहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन भी अपनी बेटी की शादी को लेकर पैरोल पर जेल से बाहर है। दरअसल आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएफजी कृष्णैया हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। मांझी ने उपेंद्र कुशवाहा का खोला बड़ा राज। इन दिनों जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के दिए जा रहे बयान से राजनीति गलियारे पूरी तरह से गर्म है। वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा के एक राज को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा खोल दिया गया है। बता दें कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे जेडीयू में मुख्यमंत्री बनने के लिए आए थे, लेकिन जब नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को चुन लिया तो वो बेचैन हो गए। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच कोई तुलना ही नहीं है। नीतीश कुमार एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में है। वे केवल बिहार के ही नहीं देश के सर्वमान्य नेता हैं। उनको केवल अपने काम से मतलब है। कुशवाहा के बातों को लेकर वो कोई नोटिस नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सभी को सम्मान दिया है। मेरा छोटा कार्यकाल भी देश के लिए चर्चा का विषय बना रहा। उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सब नीतीश कुमार की ही देन है।
सुशील मोदी ने जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष पर की चिंता जाहिर। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के द्वारा राज्य में हो रही जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि छपरा में जो हत्या की गई है उसमें कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग हैं और उन्हें राजद का समर्थन है, जिस वजह से सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही। इसको लेकर लोगों में इतना आक्रोश है कि उनके द्वारा आगजनी तक कर दी गई, जिस वजह से अब इस मामले में जातीय तनाव बढ़ता जा रहा है। और जो पिछले सप्ताह गोपालगंज में क्रिकेट खेलने के दौरान एक नौजवान की हत्या कर दी गई, जिस वजह से वह सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है। इस तरह की जातीय और सांप्रदायिक घटनाओं को देखते हुए सरकार को बाध्य होकर इंटरनेट की सेवा को बंद करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि बिहार को धीरे धीरे जातीय संघर्ष की आग में झोंका जा रहा है। इस पर सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए और भले ही हत्यारे का संबंध राजस्व ही क्यों न हो, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। गया के दिवांशु ने बनाया दुनिया का सबसे सस्ता रोबोट। बिहार के गया के विष्णुपद रोड के रहने वाले दिवांशु ने अपनी टीम के साथ सोनी टीवी के शो शार्क टैंक में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने जजों को अपनी टीम के द्वारा बनाई गई सबसे सस्ता रोबोट से अवगत कराया। बता दें कि यह एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से सेप्टिक टैंक और पाइपलाइन की सफाई बिना किसी मानव बल की मदद से आसानी से की जा सकेगी। मालूम हो कि मशीन सॉफ्टवेयर के माध्यम से भेजे गए कमांड के आधार पर ऑटोमेटिक सफाई करेगी। इसकी कीमत 10 से 18 लाख के बीच है। इस शो के दौरान उन्होंने बताया कि उनके इस रोबोटिक मशीन को फिलहाल देश के 16 से अधिक शहरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अगर कंपनी की सेल्स की बात करें तो पिछले साल कंपनी की सेल्स 1.6 करोड़ रुपए थी। उनके इस कंपनी पर अनुपम मित्तल और पीयूष बंसल ने 90 लाख रुपए का इन्वेस्ट भी किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के टेस्ट मैच को लेकर दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज कप्तान का दावा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से यानी कि 9 फरवरी से शुरू होने वाले टेस्ट मैच को लेकर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रेम स्मिथ के द्वारा दावा किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 9 फरवरी से शुरू हो रही 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में मेजबान टीम को हराना कठिन होगा। बता दें कि स्मिथ फिलहाल दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग के कमिश्नर हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत ऐसी टीम है जिसे हराना काफी मुश्किल है। उनका घरेलू पिचों पर स्पिन आक्रमण किसी भी टीम की तुलना में बेहतर और काफी मजबूत है। इसके अलावा भारत के पास स्पिन में कई विकल्प भी मौजूद है, जिसके कारण मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत को हराना कठिन काम होगा। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमर आजाद, गुनर शर्मा, रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, मृत्युंजय कुमार, शंकर मुखिया, कविता कुमारी, प्रेम भारती, नन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, गीता राम, अनिल कुमार, महमूद अंसारी, भान प्रकाश मौर्य, राम पुकार मांझी, प्रिंस कुमार मैश। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य के किसानों का आधार आधारित खाता खुलने से किसानों को क्या क्या फायदा मिलेगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।